सर्वप्रथम दिनचर्या की शुरुआत से ही भोर के समय सावन के अंतिम सोमवार की कड़ी में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। मनावर के प्रत्येक शिवालय मंदिर में विभिन्न स्थानों से पहुंचकर नर्मदा तट से मालदा नर्मदा जल भरकर कावड़ यात्राएं श्री बंकनाथ अटल दरबार मंदिर प्रांगण में एकत्रित हो भूत भवन भगवान भोलेनाथ त्रिपुरारी का अभिषेक कर अपने गंतव्य की ओर चल दी। इसके पश्चात भगवान श्री का नमन चमक से अभिषेक एवं पूजन अर्चन किया गया। मंदिर समिति के सभी सदस्यों द्वारा बढ़ चढ़ कर भगवान की सेवा की गई। आगामी दौर में अटल दरबार नगर के भ्रमण पर निकले, जहां अनेक श्रद्धालुओं ने तन मन धन से पूजन अर्चन किया और भगवान की अगवानी की। नगर के प्रमुख मार्गों एवं चौराहे उसे भ्रमण करते हुए खेड़ापति बद्रीदास बाबा मंदिर पहुंचे, जहां पर भोले बाबा का महा आरती एवं विशेष पूजन किया गया। अंतिम पड़ाव के दौर पर पिपलेश्वर महादेव खेड़ी घाट पहुंचकर वहां पूजन अर्चन एवं आरती श्रृंगार किया गया। मंदिर में पधारकर आरती पुष्पांजलि अर्पित की गई। ज्ञातव्य की विभिन्न स्थानों पर भक्त मंडल द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रसाद एवं भक्तवत्सल वात्सल्य का आयोजन किया गया, जिसमें साबूदाने की खिचड़ी और विभिन्न प्रकार के प्रसाद फल फ्रूट आदि उपलब्ध थे। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.